आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM का प्रशिक्षण शिविर शनिवार को दोपहर बाद शुरू हो गया। शिविर में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक पंकज सिंह समेत कई बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। शिविर में यूपी से युवा संगठन के 300 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में स्वतंत्र देव ने कार्यकर्ताओं को BJP के काम करने के तरीकों के बारे में बताया। इसके बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने केंद्र और प्रदेश सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उससे पहले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आगरा के विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मामलों में आगरा को नंबर 1 बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और गड्ढे भरने के आदेश दिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने आगरा मेट्रो रेल योजना और स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा मेट्रो रेल योजना, स्मार्ट सिटी आगरा लिमिटेड, अपराध एवं कानून व्यवस्था, बेसहारा गोवंश संरक्षण, स्कूल चलो अभियान, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, हर घर जल योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा भी की। आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें मैं एक वर्ग में शामिल होने के लिए आया हूँ। प्रदेश के सभी नौजवानों से, युवाओं से अपील करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके प्रदेश और देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है और युवा शक्ति को समाज की मुख्य धारा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ला करके कल्याणकारी कदम जितने भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं किसी ने नहीं उठाए हैं। इसलिए मैं प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए भारत को दुनिया के नंबर 1 स्थान पर लाने के लिए जुटे। आज समीक्षा बैठक भी की आपने अधिकारियों के साथ में, क्या निकल गया? आगरा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हुई है। जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उनको समय सीमा में पूरा किया जाए और जो कानून का राज के संबंध जो भी डिस्टर्बेंस है दूर किया जाए और 100% कानून का राज स्तंभ किसी भी स्थिति में यहां पर कानून डिस्टर्ब न होने पावे, कानून का राज में कोई हस्तक्षेप न कर। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में डिप्टी CM के साथ BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। उद्घाटन सत्र में स्वतंत्र देव ने कार्यकर्ताओं को BJP की काम करने के तरीकों के बारे में बताया। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने ये भी कहा कि हम राजनीति को व्यापार नहीं समझते हैं, सत्ता में आना हमारे लिए देश सेवा का काम है। करते हैं बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, रैली भी होती है तो रैली के माध्यम से भी नेतृत्व का विकास होता है और ये प्रशिक्षण वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से संगठन की जितनी भी गतिविधियां हैं, कार्य पद्धति है, BJP का इतिहास विकास है, ये प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है जो क्षेत्र में जाकर संगठन को खड़ा करते हैं और संगठन को करना क्या है इसके माध्यम से जानकारी होती है। इसी कारण यहाँ जब संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं तो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप बता दें कि प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष और महामंत्री को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रदेश भर के 300 पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी CM के पहुंचने से पहले मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने आंतरिक बैठक की। वहीं रविवार को प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को समापन सत्र में CM योगी आदित्यनाथ आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आना प्रस्तावित है, लेकिन अभी समय और दिन निर्धारित नहीं है। बता दें कि शिविर में 3 दिन में 14 सत्र होंगे। अलग अलग सत्र के लिए अलग अलग वक्ता होंगे। इस दौरान संगठन से जुड़े नए पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में भाग लेने आए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब के स्ट्रीट टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।